अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो जी दोस्तों, मैं आज अभी अपने लिए जा रही थी चाय बनाने, तो मैंने कहा ये छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और जिन लोगों को ये लगता है कि मैं कोई घर में काम वाम नहीं करती होंगी या मुझे कोई काम करना नहीं आता होगा, तो वो भी देख लेंगे कि भाई मैं थोड़ा बहुत तो काम कर ही लेती हूँ, और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारा काम आता है। और अभी चलते हैं अपनी चाय बनाने के लिए। उससे पहले ये देखेंगे मेरी जो रिंग लाइट है, बेचारी शहीद हो गई है मतलब ये टूट गई है, और अभी इसको भी सेट करवाना है, तो ये कुछ सेट हो ही जाएगी जब होना होगा इसने सेट। और देखते हैं कि एक सेट कब होती है, तो अभी बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ इस टाइम अपने किचन में और चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, क्योंकि ये जैसे मैं चाहती हूँ कि जैसे शेफ़ होते हैं ना, उनकी आप वीडियोस देखें कि वो एकदम से ऐसे चूल्हे को ऑन करते हैं, उनका चूल्हा ये एकदम से ऑन हो जाता है, पर हमारा चूल्हा सेल वाला होने के बावजूद भी बड़ा परेशान करता है तो मैं बनाती हूँ चाय, आप लोग देखेंगे मैं कैसे चाय बनाती हूँ। तो चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, दूध मैंने फ्रिज से निकाल लिया था, अब मैं पीती हूँ ज्यादा दूध वाली चाय। पानी भी पिलाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और प्लीज अगर गाड़ियों का शोर आप लोगों को आ रहा हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि रोड बहुत करीब है मेरे घर से। तो ये मैंने दूध में डाल लिया और अब मैं इसको रखूंगी ये इसके ऊपर, और अगर कुछ मुझे दूध कम लगता है तो मैं दूध और भी डाल देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम दूध ले रहे होते हैं उसमें ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा होता है ना। तो अब एक डोंगी मैं सिर्फ डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि मेरा जो मग है, मेरा जो कप है, मैं आप लोगों को दिखाऊं, मेरा जो मग है माशाल्लाह बहुत बड़ा है। ये मैं चाहती हूँ कि यहाँ तक हो, या इस अम्मी तो कहती है कि उसके ऊपर तुम जोड़ लगवा लो तो और भी भर जाए ना, पर मैं कहती हूँ नहीं, इतना काफी है यार। मैंने आजकल चाय पीना बहुत शुरू कर दी है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं मेरा वजन दोबारा से बढ़ ना जाए। चेहरा तो मेरा माशाल्लाह वैसे ही क्यूट है, ये तो कम होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से जो लाइंस निकली हैं, पर ये जो गाल है ये कुदरती है, ये दिख जाते, बाकी वेट मेंटेन करना तो लाजमी है। और जिसकी वजह से अभी मैंने दिखाती हूँ ना मैंने क्या करना शुरू किया है ये दूध हमने इसमें डाल दिया है और बॉटल को करूँगी मैं बंद। इसके बाद दूध के अंदर मैं लाजमी अपनी चाय में इलायची डालती हूँ, तो ये आप लोग अगर इसको ऐसे दबा के डालते हैं आपकी मर्जी है, और अगर आप लोग मेरी तरह ऐसे करना चाहें ऐसे करके डालते तब भी आप लोगों की मर्जी है जी। तो मैंने इसके अंदर दो इलायचियां डाल दी हैं, और पता ही देखिए मुझे पसीने निकलना शुरू हो गए, आती हूँ मैं किचन में पर मुझे पसीने देखे कितने निकलना शुरू हो गए। और ये पसीने दिखाने का उन लोगों के लिए मकसद है कि जो लोग कहते हैं कि आप मेकअप करके आती हैं, इतना सारा मेकअप करके आती हैं, तो देख लो यार नहीं किया हुआ मेकअप, ये देखो पसीने आ रहे हैं, कोई मेकअप नहीं है, मैं कुदरती खूबसूरत हूँ यार, अल्लाह मियां ने मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है, आपको क्या पता, आप लोग थे वहां पर, नहीं थे ना तो भी भाई अभी हो रहा है हमारा दूध गरम, उसमें मैंने इलायची डाल दी है, और मैं फौरन से पत्ती नहीं डालती, थोड़ी देर बाद डालती हूँ। तो जब तक ये गरम हो रहा है तब तक मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। वैसे गर्मी हमारे सिंध में तो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है क्या बताएं आप लोगों को। और जो इस्लामाबाद साइड और पंजाब की साइड से हैं वो लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि वहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि हमारे सिंध में तो बहुत गर्मी है, वो कराची से लेके एंड तक जहाँ उसका हदूद ख़त्म होती है वहाँ तक गर्मी ही गर्मी है भाई। और जब से ये बारिशें हुई हैं उन्होंने उसके बाद तो समझें कि हब्स शुरू हो गया है, मौसम अच्छा हो ही नहीं रहा है जी। तो ये हो गया है इस टाइम दूध गर्म, और ये मैंने ली पत्ती एक, या आप लोग देख रहे हैं दो, और छोटा सा इतना और डाल दिया मैंने,
और इसको पहले ऐसे उठा लें जादूगर बन के, क्योंकि मैं जादूगर वाली हरकतें करती हूँ। तो ये ऐसे देखें टिडिंग 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 टिडिंग, कोई म्यूजिक नहीं है, मैंने कहा मैं खुद ही टिडिंग टिडिंग कर लेती हूँ। ये करके दिखाओ, कौन करके दिखाएगा मुझे ये। चले जी, बहुत मजाक मस्ती हो गई। अब जो है चाय में घोल आ रही है और हल्की आंच करूंगी थोड़ा, और मैंने चीनी की जगह यूज करना शुरू कर दी है शक्कर, गुड़ की शक्कर, जिसको कुछ लोग गुड़ की चूरी भी कहते हैं, और अपनी अपनी लैंग्वेज में जो जिसका दिल चाहे वो कह देता है, मैं इसको कहती हूँ गुड़ की शक्कर। और ये मैं इसमें डालूंगी एक, क्योंकि ये चीनी के मुकाबले थोड़ी हल्की मीठी होती है इसलिए, और ये दो चम्मच से ज़्यादा मैं नहीं डालूंगी, और अगर मेरा दिल चाहता है तो मैं दो चम्मच से ज़्यादा भी डालती हूँ। चलें जी, अब ये थोड़ी सी पकने देती हूँ मैं इसको, और ये पक रही है, और जब ये पक रही होती है ना तब मैं इसके अंदर एक और एक्सपेरिमेंट करती हूँ जो मैं करूँगी, तो उसके बाद आप लोग पक्का वादा करें कि आप लोग भी ट्राई करेंगे। ये है मेरे पास सौंफ, ठीक है, और मैंने इसको बर्नी में नहीं किया। अब आप कुछ कमेंट्स आएंगे कि आपने इसको बर्नी में करके नहीं रखा हुआ, तो यार मेरी ने ऐसे ही उठा के रख दिया था। आप लोग कमेंट्स करके बताएं तो मैं उससे पहले ही बता दूंगी, मैंने ऐसे ही रख दिया था। और ये सौंफ बहुत अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए, कभी कभी तो मैं इसको ऐसा खा भी लेती हूँ, अक्सर ही खाती हूँ। तो ये थोड़ी सी जो सौंफ है ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर, और अब जो आपकी चाय का टेस्ट आने वाला है ना, आह क्या बात है। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह पकाऊंगी ताकि सौंफ का जायका भी इसके अंदर चला जाए, और देखो भाई मुझे कितने पसीने आ रहे हैं, पसीनों ने हालत कर दी है सिर्फ आप लोगों के लिए खड़े होकर चाय बना रही हूँ। वैसे बनाती हूँ पर बहुत कम, मैंने कहा अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर करूँ कि मैं चाय किस तरह से बनाती हूँ, और थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाएगा। और इसमें मैं सौंफ खा रही हूँ, और मैं वैसे भी सौंफ खानी चाहिए, नहीं तो मेरी चाय अभी जो है रखी हुई है उबल रही है। और अब सॉरी दोस्तों, आपको बिना बताए चली गई थी, ये मैंने ले ली एक प्लेट, और अब मैं आप लोगों को करतब दिखाती हूँ। करतब क्या, बिस्किट निकाल लिए मैंने, डाइट की मुझे बड़ी फिक्र है, बड़ी फिक्र है मुझे डाइट की, पर मैंने बिस्किट लाजमी खाने। ये हमारी चाय देखिए कितनी प्यारी प्यारी बन गई, और मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ, बिल्कुल वाइट वाइट मुझे चाय नहीं पसंद। अब हमारी चाय बन चुकी है, और अब मैं इसे अपने कप में ट्रांसफर करूंगी। कप मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था, देखें अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगी अपने कप में, और एंड भी निकाल लेना चाहेगा जी। दोस्तों तो चाय बन गई है, अब मैं इसको लेके जाती हूँ रूम में और आपसे मुलाकात करती हूँ। और अभी मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी जाएं अपने लिए चाय बनाएं और चाय इंजॉय करें,
और अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर। मिलूंगी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।